भाई सिंघम अगेन का ट्रेलर देखने के बाद बस एक बात दिमाग में आई, व्हाट वाज दैट, ओह माय गॉड। लिटरली मेरी धड़कन इतनी तेजी से चल रही थी क्योंकि मैं सांस लेना भी भूल गया था। सीरियसली ये ट्रेलर एक्सपेक्टेड तो था पर इतना धमाका वो कुछ और ही था। दिवाली 1 नवंबर को सिंघम 3 आ रही है जिसका ऑफिशियल टाइटल है सिंघम अगेन। रोहित शेट्टी का कॉप्स यूनिवर्स RSCU का ये 5th इंस्टॉलमेंट है। पहले सिंघम, फिर सिंघम 2, सिम्बा, सूर्यवंशी और अब सिंघम अगेन। ट्रेलर देखकर एक लाइन में कहूं तो ये बस सूर्यवंशी ही है, बस और बड़े स्केल पे। जैसे पिछली बार 3 हीरोज और एक हीरोइन थी, इस बार 5 कैरेक्टर्स हैं जो गन्स लेके एक्शन कर रहे हैं। एक्शन सीन्स कैसे हैं? सेम एज ओल्ड। स्लो मोशन में लाइन से आते हैं सारे हीरोज गन्स पकड़े हुए और पीछे बॉम्ब फट रहे हैं। अगर तुम सूर्यवंशी का ट्रेलर याद करो तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। और हाँ, ट्रेलर की लेंथ, पिछली बार जब सूर्यवंशी का 4:16 का ट्रेलर आया था तो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये ट्रेलर है या शॉर्ट फिल्म। इस बार तो 5 मिनट का ट्रेलर है और फिर भी रियलाइज नहीं होता कि 5 मिनट कब निकल गए, क्योंकि हर थोड़ी देर में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता था। अजय देवगन और करीना कपूर के शॉर्ट्स के बाद 2 मिनट निकल जाते हैं और अभी तक सिर्फ 3 कैरेक्टर्स का इंट्रोड्यूस ही हुआ था। फिर आते हैं टाइगर श्रॉफ बनियान में, हाँ बनियान में एंट्री लेते हैं एंड सरप्राइजिंगली उनका शर्टलेस मूवमेंट ट्रेलर में नहीं दिखाया गया लेकिन पोस्टर में एप्स तो ऑलरेडी दिखा दिए हैं। रणवीर सिंह भी अपने फैमिलियर एनर्जी के साथ आते हैं और सबको पता था कि वो एक और धमाकेदार एंट्री मारेंगे। फिर आते हैं हमारे आपके फेवरेट अक्षय कुमार, मूवी के एंड में एंट्री होती है उनकी, पर ट्रेलर के 4 मिनट मार्क पे वो कैमियो करते हैं। इमेजिन 4 मिनट के बाद कैमियो इंट्रोड्यूस करा जा रहा है और डायलॉग्स, सिंघम को सब अपना गुरु मान रहे हैं और गांधी जी और शिवाजी महाराज का जिक्र भी हो रहा है। पर सबसे ज्यादा जो मजा आता है वो है एब्सर्डिटी लेवल ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस। गाड़ियां उड़ती हैं, दरवाजे टूटते हैं और हाँ दया दरवाजा तोड़ दो मूवमेंट भी जरूर होगा। अब स्टोरी पे आए तो ट्रेलर से कंफर्म हो गया है कि रामायण से काफी इंस्पिरेशन ली गई है। विलेन भी लंका का है और रावण की कहानी चालू है, लेकिन ट्रेलर के कुछ शॉट्स देखकर लगता है जैसे बजट काफी कम था। आदि पुरुष से भी छोटे स्केल की फीलिंग आई है, लिटरली आदि पुरुष से भी छोटे स्केल की। विलेन की बात करें तो अर्जुन कपूर का लुक काफी सरप्राइजिंग है, लेकिन क्या वो डिलीवर करेंगे? ट्रेलर देखने के बाद उम्मीद है कि उनके कैरेक्टर को अच्छे डायलॉग्स दिए गए हों, क्योंकि सामने तो सुपर पुलिस वाले हीरोज खड़े हैं। और हाँ, इंटरनेट पर एक और र्यूमर है कि सलमान का एक कैमियो भी हो सकता है, समझ रहे हो, 6 सुपर हीरोज बॉलीवुड के। हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में उनकी एंट्री हो, जैसे फ्यूचर का सेटअप कर रहे हो। लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सिंघम अगेन एक एवेंजर्स लेवल की फिल्म बन गई है बॉलीवुड में। सबको एक साथ डालने का जुनून कहीं खत्म ना हो जाए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी इन्फो मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पूरा वीडियो देख के कहां जा रहा है, सब्सक्राइब कर।